हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू, उसमें हमारा सब्जेक्ट है रिम जिम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू, आम की कहानी। ये एक चित्र वार्ता है। सो इस चित्र वार्ता में आपको चित्र दिए होंगे, हमें उस चित्र के आधार पर कहानी बनानी है और आगे बढ़ते जाना है। फ्रेंड्स, आपने कई ऐसी चित्र वार्ताएँ न्यूज़पेपर में देखी होगी, उसमें चित्र दिए होते हैं और उस चित्र के आधार पर हमें वार्ता या फिर कथा बनानी होती है, कहानी बनानी होती है। सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा चित्रकथा। उस चित्रकथा में देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला चित्र है उसमें क्या दिया गया है, एक कौवा है, एक आम है और एक लड़की है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक जंगल में एक पेड़ था, उसमें आम का वृक्ष था। वो वृक्ष पर कई सारे आम थे और वो आम एक लड़की ने देखा और एक कौवे ने देखा। वो दोनों आम खाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे चित्र की ओर। तो देखिए, यहाँ पर लड़की ने आम देखा और खुश हो गई। यहाँ पे तीसरे चित्र में क्या है, कौवा है, लड़की है और लड़का है, आम है। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि वो लड़की आम खाने के लिए अपने भाई के पास गई और बोली कि मुझे ये आम खाना है, आप ले जा, वो उसे तोड़ सकते हैं। तो वो क्या किया, लड़का अपना हाथ में गुलेल लिए हुए है, यानी वो अपना गुलेल लेकर आया। कौवा ये सब देख रहा था, वो ऐसा होशियार था कि वो लड़का आम गुलेल से तोड़ेगा तो मैं ले लूँगा। देखिए अगला पिक्चर, देखिए वो लड़के ने क्या किया। यहाँ पे आम है, लड़की है, लड़का है और कौवा है। लड़के ने निशाना लगाया आम की ओर और वह ये सब कौवा देख रहा था। वो कौवा ऐसा समझ रहा था कि अगर वो आम नीचे गिरे तो मैं उसे ले लूँगा। तो देखिए, यहाँ पर लड़के ने निशाना लगाया तो आम पे निशाना लग गया और कौवा झपटा आम को लेने के लिए। यहाँ पर ये लड़की बहुत खुश थी कि अभी उसे आम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगले चित्र में दिखाया गया है कि कौवे के मुंह में आम आ गई है और ये दोनों अचंभित है। तो अभी ऐसा हम कह सकते हैं कि कौवा है वो आम लेने के लिए झपटा और वो लड़का और लड़की दोनों देखते ही रह गए। लेकिन क्या हुआ आगे कौवे के साथ, तो कौवा है वो मधुमक्खियों के कूड़े में, यानी मधकूड़े में जाकर टकराया। देखो यहाँ पे ऐसा है, वो टकराया तो क्या हुआ, मधुमक्खियाँ है वो उसके चोंच चिपक गई, उसे काटने लगी और आम है वो एक आम है वो यहाँ पे दूसरे जो जीव यहाँ पे है उसके स्क्विरल है ये सब, तो स्क्विरल के जो नेस्ट था उसमें चला गया, स्क्विरल के घोंसले में चला गया। अभी क्या हुआ कि वो स्क्विरल भी वो आम को खाना चाहती थी, लेकिन उसके देखो यहाँ पर चित्र में क्या है, उसके बच्चे हैं वो अंडे है सब फूट गए और उसमें से सभी बच्चे बाहर निकले, तो उनकी जो शोर आई इसलिए उसके हाथ में से वो आम चिटक गया और नीचे गिर गया। अभी वो नीचे गिरा है, यहाँ पे कुछ कपड़े जैसा है ये, तो यहाँ पे वो नीचे गिर गया। ये क्या था, तो ये एक जो भाई बैठे थे उनकी पगड़ी थी, पगड़ी पे आम गिर गए। यहाँ कौवा भी देखता है, वो लड़का और लड़की भी देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो आम है वो पगड़ी वाले भाई साहब ने लड़की को दे दिया और लड़की वो आम लेकर खुश हो गई। और गुलेल से ये भाई ने क्या किया, गुलेल से उस आम को तोड़ दिया। यहाँ पर ये सब कौवे देखने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चित्र वार्ता ऐसी थी कि एक लड़की थी उसको आम खानी थी, एक लड़की थी एक जंगल में घूम रही थी, तो उससे पता चला कि यहाँ पे आम का एक
वृक्ष है तो वो आम तोड़ने के लिए गई, आम तोड़ने के लिए गई, लेकिन उससे तो आम तो टूट नहीं सकती, बहुत ऊपर थी। एक कौवा था, उसको भी देखो, इसने भी आम की ओर देखा। उसके बाद एक उन्होंने क्या किया, अपने भाई से जाकर बोला कि मुझे आम खानी है, तो वो गुलेल लेकर आया और आम पर निशाना लगाया, लेकिन कौवा वो देख रहा था कि जैसे आम टूटे तो मैं मुँह में लेकर चला जाऊँगा। तो गुलेल से जब आम नीचे गिरी, गिरने लगी, तो कौवे ने उसको मुंह में ले लिया और झपट कर भाग निकला। लेकिन वो भागते भागते मधुमक्खियों के जो कूड़े से उस पर टकरा गया और मधुमक्खियों उसे काटने लगी और आम है वो एक घोंसले में जाकर गिर गई। फिर उसके बाद स्पिरल है, उसको आम को खाना चाहते थे, लेकिन उस घोंसले में कई सारे पक्षी है, उसके अंडे थे, वो अंडे फूट गए और बाहर निकले तो वो ऐसे चिल्लाए तो आम स्क्विरल से हाथ में से छिटक गई और नीचे जाकर गिरी। तो वहाँ पर एक आदमी बैठा था तो उसकी पगड़ी में जाकर वो आम गिर गई और उसके बाद वो पगड़ी वाले भाई साहब ने आम उस लड़की को दे दी और लड़की खुश हो गई। और उसका भाई था, उसने गुलेल से वो आम नीचे ला दी। तो ऐसे हमारा चैप्टर, ये पूरी कहानी था। अभी आगे देखते हैं, लिखो कहानी में पहले क्या आया, पहले कौन क्या आया, लड़की आई। यहाँ पे सब चित्र हमें दिए गए हैं। कहानी में पहले लड़की आई, लड़की के बाद कौवा आया, कौवे के बाद लड़का आया, लड़के के बाद गुलेल आया, गुलेल के बाद घोंसला आया, गुलेल के बाद ये मधुमक्खी आई, मधुमक्खियों के बाद घोंसला आया। तो आप इसको यहाँ पे लिखना है कौन कहाँ, खाली जगह के हाथ में था, लड़के के हाथ में था, यहाँ पे आपको लड़का। उसके बाद खाली जगह के ऊपर तो घोंसले, उसके बाद खाली जगह में तो अंडों में, उसके बाद पेड़ के ऊपर, उसके बाद ये पगड़ी तो आदमी के सिर पर। सो ऐसे ये जो ब्लैंक है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा सॉल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था चित्र वार्ता, वो यहाँ पे पूरा हो गया है। आप इस चित्र वार्ता को ट्राई कीजिएगा लिखने में, आम की कहानी कैसे आम है वो लड़की को मिलता है उसके बारे में आप लिखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या आया, आम है, कौवा है, लड़की है। उसके बाद क्या आया, तो यहाँ पे लड़का आया, गुलेल आया। उसके बाद क्या आया, तो गुलेल से आम छिटक गया, कौवे ने ले लिया। उसके बाद क्या आया, मधुमक्खी आई, मधुमक्खियों के बाद क्या आया, घोंसले के बाद स्क्विरल। उसके बाद लास्ट में पगड़ी, पगड़ी से बाद ये आम लड़की को मिल गई। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।